ये है मूंग की बढ़िया जो मैं बना के रखती हूँ धूप काले के दिनों में, या फिर दिवाली के बाद में भी धूप आती है तो वो मैं तब बना के रखती हूँ। बनाते समय सिर्फ मैं 1 किलो नियर अबाउट जो दाल होती है वो रात को भिगो के रखती हूँ, और सुबह उसको छान के पीस के उसकी बढ़िया डालती हूँ। ना उसमें नमक डालती हूँ, ना किसी प्रकार के मसाले, ना लहसुन अदरक, कुछ भी नहीं डालती हूँ। जब फिर पकाना होता है तब मैं इस तरह से अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देती हूँ तेल में। इसको तब तक भुनना है जब तक कि इसकी स्मेल, कच्ची कच्ची स्मेल ना चली जाए। बाद में इसमें डालेंगे हम टमाटर। क्या मेरे जैसे आपने भी ऑब्जर्व किया है क्या कि जब टमाटर हम ऐसे ही पकाते हैं तो जल्दी नहीं गलता, लेकिन जब ये ड्राई मसाले डालते हैं इस तरह से सारे हींग के साथ भी सब कुछ, तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं टमेटोज। क्या आपने अनुभव किया है? तो अब इस तरह से पूरी तरह से टमेटो गल गए हैं। इसमें हम डालेंगे जो हमने थोड़े थोड़े कूट लिए हैं वो मूंग की बढ़िया। इसको कभी कभी भून के लेना भी चल जाता है, जैसे कि ये जो सूखी हुई बढ़िया है इसको पहले तेल में भून लो और बाद में उसको पकाओ, वो भी एक प्रोसीजर है। कभी कभी मैं वो करती हूँ, कभी कभी ये करती हूँ। देखिए पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है इसको पकने के लिए। आप अगर मैंने 2 कप डाले तो वो नहीं पकेंगे और जलने का भी खतरा होता है, इसलिए पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। कुकर हो रहा है, बीच में मैंने आरती भी कर ली है क्योंकि ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। देखिए अब कुकर हो गया है, कुकर पैन में ही बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ये बहुत अच्छी तरह से पक जाती है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक मैं हमेशा बाद में डालती हूँ आधा पकने के बाद। अब इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए बहुत टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी। और अगर इसके साथ ज्वार की भाकरी, प्याज और जवस की जैसी कोई चटनी हो तो बात ही कुछ और है इस सब्जी की। थैंक यू।